हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फाइनली मेरा आईफोन आ चुका है, इसको मैं अभी अनबॉक्स करूँगा। तो अभी इसकी अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ मैं। फाइनली काफ़ी टाइम से वेट कर रहा था इसका। अरे वाह, ब्लैक कलर, ये सिंपल आप देख सकते हो आईफोन में, सिर्फ सिंपल आईफोन। देन इसका जो चार्जर दिया हुआ है, एयरपॉड दिए हुए हैं, और आपको जो चार्जिंग करनी है उसका पॉइंट यहाँ से लगेगा। अभी इन फ्यूचर जो भी आईफोन के आएंगे, फ़ोन आएंगे, उसमें चार्जर वगैरह आपको नहीं मिलेगा, एक्सटर्नल आपको लेना पड़ेगा बाहर से। तो मेरे को बेनिफिट इस चीज़ का ये हुआ कि मैं इस फ़ोन के साथ इस जो भी एसेसरी है मेरे को मिल गई। आप ये देख सकते हो इसके दो स्टिकर्स जो इसके साथ आते हैं, बाकी ये इनकी कोई ज़रूरत नहीं है खास। अभी उद्घाटन करते हैं अपने फ़ोन का। तो फाइनली इसको मैं ऑन करूँगा। अभी ब्लैक एडिशन इसलिए लिया क्योंकि इसकी लुक बहुत ही प्यारी है ब्लैक में। आप देख सकते हो बैक साइड्स में दो कैमरा है, और फ्रंट की लुक ऐसी आएगी जो हाथ के लिए वन हैंड भी यूज़ कर सकते हैं आप इस चीज़ को। तो अभी इसको मैं सेटअप करूँगा अपने पुराने फ़ोन से, जो यहाँ का डाटा है वो उसमें कन्वर्ट करूँगा, बिकॉज़ इसमें एक फंक्शन है आईफोन में कि आपका जो पुराना आईफोन है वहाँ से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो, जो भी आपका डाटा, आपकी ऐप्स, जो भी आप यूज़ करते हो। सो फाइनली मैं अपना जो पुराना आईफोन है उसको पेयर कर रहा हूँ अपने नए आईफोन से, जिससे कि जो भी इसका सारा डाटा है वो इस पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो आप देख सकते हो सामने। ठीक गाइस, डाटा ट्रांसफ़र का यहाँ से कंटिन्यू करेंगे हम अभी। तो इसको आपने एग्री करते जाना है आगे से, टर्म एंड कंडीशन एग्री, सी हाउ टू डाटा मैनेज, कंटिन्यू, अनेबल कर दो इसको, लोकेशन को कंटिन्यू, सेटअप लेटर कर दो आप इसको। सो गाइस, फाइनली जो मेरा पुराना आईफोन है वहाँ का इस फ़ोन का डाटा है इसमें ट्रांसफ़र करूँगा, बट यहाँ पे अभी जो 11 का भी सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है, देन उसके बाद की आगे की फर्दर मैं वीडियो आपको दिखाता हूँ। सो फाइनली काफ़ी टाइम लेने के बाद सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ, अभी ट्रांसफ़र जो इस फ़ोन का डाटा उस फ़ोन में हो रहा है अभी, तो अभी थोड़ा और टाइम लेगा, मे बी 15 से 20 मिनट और लेगा। अभी 2 मिनट आ रहा है, बट बढ़ते बढ़ते ही आधा घंटा हो सकता है। तो डाटा ट्रांसफ़र हो चुका है, तो अब देख सकते हो सिम कार्ड नहीं है, इसमें सिम कार्ड डालूंगा अभी, इसकी वेरिफिकेशन होगी। यहाँ की सिम बदल के मैं यहाँ से सिम निकाल के दूसरे फ़ोन में डालूँगा। सो फाइनली इस फ़ोन का डाटा इस फ़ोन में ट्रांसफ़र हो चुका है, आप देख सकते हो सामने में जो भी है डाटा कंप्लीट जा रहा है अभी। तो आप इन फ्यूचर इस फ़ोन को अगर कहीं पर भेजते हो तो इसका रिसेट मार के आप इसको नई आईडीज यूज़ कर सकते हो। तो गाइस, फाइनली मेरा आईफोन का अनबॉक्सिंग कंप्लीट हुई। आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड कमेंट, और बने रहे वीडियो में, उसके लिए धन्यवाद।